सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको सिखा रही हूँ अपनी लाइफ स्किल का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्लानिंग. ठीक है, ओके, हु विल टेल मी व्हाट इज प्लानिंग? रेज योर हैंड्स, एनीबडी हैज एनी आइडिया व्हाट इज प्लानिंग? यू टेल मी यश. मैम जैसे प्लानिंग, मैं गोवा जाऊंगा तो मैं उसमें गोवा जाकर क्या करूंगा, मैं कहां पे एंजॉय करूंगा. वाओ, वेरी गुड. यस, श्योर यू टू डिसाइड टू प्लान. वेरी गुड. यस यस, फ्यूचर डिजाइनिंग. वेरी गुड. सो एब्सोल्युटली करेक्ट. सो प्लानिंग, देखो हम सबके लिए प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि सपोज मुझे इस अकेडमी से एक शॉप पे जाना है. कहाँ जाना है? अकेडमी से एक शॉप पे जाना है. तो मैं क्या करूँगी? मैं सबसे पहले डिसाइड करूँगी अकेडमी से लेके शॉप तक का कितना रास्ता है. अच्छा, मैं बाहर अगर धूप है तो अम्ब्रेला कैरी कर लूँ? हाँ, मैं ऑटो से जा सकती हूँ कि मैं गाड़ी से जा सकती हूँ? ओहो, मैं एक वाटर बॉटल भी ले लेती हूँ. कुछ मेरे को पर्स भी चाहिए क्योंकि शॉपिंग के लिए जाऊँगी तो पैसे भी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्लानिंग. आप बाहर जाने के लिए प्लानिंग करते हैं, राइट? अगर इफ़ आई हैव टू गो टू गोवा और मे बी शिमला, मैं क्या करूँगी, क्या प्लानिंग करूँगी? सबसे पहले आई विल सर्च अ होटल, क्योंकि वहाँ जाऊँगी तो मेरा कोई घर नहीं है, राइट? मुझे कहीं रहना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या करूँगी? एक होटल सर्च करूँगी, एक्सप्लोर करूँगी. उसके बाद नेक्स्ट क्या करूँगी? आई विल सी माई पॉकेट कि क्या मेरा बजट है. मेरे पास पैसे हैं 25,000, क्या इस बजट में मेरा एक अच्छा शिमला ट्रिप प्लान? तो सबसे पहले एक ट्रिप प्लान करने से पहले आप क्या करेंगे? यू विल थिंक ऑफ इट कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो मेरे पास बजट कितना है, पैसा कितना है. सो इट इज़ 25,000. उस 25,000 में क्या मैं ट्रिप पे जा सकती हूँ? और मेरे बजट में अगर मैं 3 days वहाँ स्टे करती हूँ तो कितना पैसा लगेगा, राइट? मेरा ट्रैवल का एक्सपेंस क्या होगा? मुझे क्या क्या कपड़े चाहिए? वहाँ का वेदर क्या होगा, राइट? और वहाँ का फूड कैसा होगा? मुझे रास्ते के लिए कुछ ले जाना पड़ेगा या रास्ते पे कुछ मिल जाएगा, राइट? सो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होती है? प्लानिंग, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सो के उठते हैं मॉर्निंग में, तो क्या करते हैं? प्लान करते हैं, आज मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगा क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं येलो पहनूं. येलो के साथ कौन सा लोअर जाएगा? आई थिंक ब्लू. शूज मेरे ख्याल से ब्राउन चलेंगे. ये क्या है? दिस इज ऑल्सो प्लानिंग, है ना? और गर्ल्स क्या करती हैं? आज मैं ना ये वाला एक पिन लगा लेती हूँ, ये वाला हेयर स्टाइल इस ड्रेस पे बहुत अच्छा जा रहा है ना? ये क्या है? व्हाट इज दिस? प्लानिंग. सो एवरीथिंग इज प्लानिंग. हर चीज जो, एनी एक्शन जो हम करते हैं इज प्लानिंग. तो आज हम सीखेंगे इस टॉपिक पे प्लानिंग कैसे करते हैं और प्लानिंग बच्चों को कैसे करनी सीखनी चाहिए, राइट? सो प्लानिंग में सबसे पहले सारे बच्चे हमारे फैमिली मेंबर्स का एक कैलेंडर बनाएंगे. फैमिली कैलेंडर क्या बनाएंगे? फैमिली कैलेंडर. आप एक अच्छा सा जो है ना शीट लेंगे, उसके पीछे एक हार्डबोर्ड जो होता है ना, एक हार्डबोर्ड लेंगे स्क्वायर शेप, और उसके ऊपर एक आप A4 शीट क्या करेंगे? पेस्ट. ठीक है, उसके बाद उस पर अपने फैमिली मेंबर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ और ओकेजन लिखें. सॉरी, नेम, ओकेजन और डेट ऑफ बर्थ. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली में कौन है? ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दादा दादी, मम्मा पापा, मी और मेरे सिबलिंग्स मतलब ब्रदर और सिस्टर, राइट? उनके नेम्स लिखेंगे जितने हमारे फैमिली मेंबर्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? ओकेजन. दादू दादी की मैरिज एनिवर्सरी कब आती है? अगर वो नहीं है तो दादी हैं, दादाजी हैं, उनका बर्थडे कब आता है? हाँ, उसके बाद मम्मा पापा की मैरिज एनिवर्सरी कब आती है? मम्मा का बर्थडे कब आता है? पापा का बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे कब आता है? और भैया का बर्थडे कब आता है? या दीदी का बर्थडे कब आता है? ठीक है, तो हमने ये पूरा लिख लिया. उसके बाद अब जैसे ही हमारा वो नेक्स्ट ओकेजन आएगा, लेट्स से माई बर्थडे, सो आई विल प्रॉमिस टू प्लान इट. ठीक है, तो सबसे पहले विल मेक अ फैमिली कैलेंडर, और जैसे ही किसी का बर्थडे एनिवर्सरी आएगा तो आप मम्मी पापा को आइडिया दोगे. क्या? कि मम्मा पापा, मेरे पास एक प्लान है, हम ना इस बार बर्थडे पे ऐसा करते हैं. ऐसे प्लान्स बनाए हैं बच्चों ने? सो यू हैव टू ऑलवेज मेक प्लान्स, है ना? और ऐसा प्लान बना के हम किसी भी ओकेजन को क्या बना सकते हैं? बहुत ही
स्पेशल बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? स्पेशल. मे बी हम ब्यूटीफुल कार्ड्स बना सकते हैं, अच्छे डेकोरेशन. अब जैसे मान लो किसी का बर्थडे, तो उसको कैसे प्लान करेंगे? ये मेरा आइडिया है, पर आपका आइडिया और अच्छा हो सकता है ना. सो आई विल आस्क यू क्वेश्चन. सो माई आइडिया इज, इफ आई हैव टू प्लान अ बर्थडे, सो मैं मॉर्निंग में उठूंगी सबसे पहले 5 o'clock, और शायद मैं बहुत चुपचाप से डेकोरेशन कर दूंगी. बलून्स में एयर फिल करूंगी, और उसके बाद बलून्स को अच्छे अच्छे जगह पे डेकोरेट करूंगी, और फिर सरप्राइजिंगली जिसका बर्थडे होगा उसकी आंखें बंद करके लेके जाऊंगी इनसे, हैप्पी बर्थडे, इट्स अ सरप्राइज. अच्छा प्लान था ना. एंड आई विल बेक अ केक अर्ली मॉर्निंग, और घर पे हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट होगा, और उसके बाद आई विल थ्रो अ सरप्राइज पार्टी. सरप्राइज पार्टी में आई कैन ऑल्सो कीप अ थीम. एवरी वन हैज़ टू कम इन देयर लोअर टी शर्ट. So theme of the party is lower t-shirt. Theme of the party is ethnic. Everyone has to come in kurta pajama or maybe in sari or maybe shorts and t-shirt, right? So we can have n number of plannings for a birthday, है ना? और फिर birthday में हम क्या करेंगे? Party तो रख ली, लेकिन party के क्या planning होगी? Party में हम क्या करेंगे? Party में हम dance activity करेंगे, party में हम game खेलेंगे, पार्टी में हम तंबोला खेल सकते हैं, पार्टी में हम कुछ भी कर सकते हैं. तो आज इस लाइफ स्किल के लिए भी मैंने ऐसे ही प्लान किया तभी तो हो पाता है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा? पहले आपने फैमिली कैलेंडर बनाया, उसके बाद चेकलिस्ट और ग्राफिक डिज़ाइन करना. यानी कि आपने सबसे पहले एक कोई भी इवेंट प्लान करना शुरू किया, उसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी होती है कि मैं बर्थडे पार्टी को प्लान कर रही हूँ. तो उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले लिखो कि पार्टी के लिए क्या क्या चाहिए. बलून्स चाहिए, डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए, फूड क्या क्या होगा पार्टी में. अच्छा, ऐसा करते हैं, सिर्फ फ्रिटर्स रख लेते हैं. फ्रिटर्स मीन्स पकौड़े. हम पकौड़े रख लेते हैं, और कोल्ड ड्रिंक रख लेते हैं, और शायद थोड़ी सी पेस्ट्रीज भी चलेंगी. उसकी हम लिस्ट बना लेते हैं, राइट? उसके बाद और क्या क्या चाहिए पार्टी में? म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चाहिए होगा, राइट? तो हमने क्या बनाई? चेकलिस्ट. क्या बनाई? चेकलिस्ट. तो सबसे पहले अपने फैमिली के इवेंट्स नोट करेंगे, उसके बाद चेकलिस्ट बनाएंगे, और ग्राफिक डिज़ाइन. ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब होता है कि आप अपने मन में पिक्चर पेंट करेंगे. अच्छा, मेरे पास बलून्स तो आ गए, पर लगाने कैसे हैं? तो आप एक मिनट के लिए आंखें बंद करके विजुलाइज करो, मैं बलून्स यहाँ लगा दूँ, वहाँ लगा दूँ, कैसे लगेंगे? सो क्रिएट, है ना? हम क्या करेंगे? ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे कि कैसे करना है, कहाँ मैं अपना केक वाला टेबल लगाऊंगी, कहाँ पे फूड रखूंगी, कहाँ पे बलून्स लगेंगे, कहाँ पे हम डांस करेंगे. ये भी हमें प्लान करना होता है ना, स्पेस. अगर 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग कहाँ डांस करेंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट इज प्लान योर ओन इवेंट. तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ों से कि हम अपना इवेंट खुद प्लान करें. और अब हमारी एकेडमी में, बिकॉज वी अभी ऑन एवरी ओकेजन में हम सेलिब्रेट करते हैं, सो जो जो बच्चे अब से अच्छी प्लानिंग करेंगे खुद के लिए, उसको हम इन्वॉल्व करेंगे आगे से हमारे स्पेशल ओकेजन पे, जैसे होली सेलिब्रेशन होता है, दिवाली सेलिब्रेशन होता है, या कोई भी लाइफ स्किल क्लास होती है. सो आई विल इन्वॉल्व यू इन प्लानिंग. ठीक है, मज़ा आएगा ना? तो मैं आपसे आइडिया पूछूंगी, अच्छा बताओ कैसे करें. ठीक है, सो विल यू डू इट? यस मैम. तो सारे बच्चे मिलके सीखेंगे प्लानिंग. क्या सीखेंगे? प्लानिंग. तो अब से अपना बर्थडे या फैमिली के बर्थडे आप खुद प्लान करोगे? यस मैम. ओके, सो मैं कुछ बच्चों को यहाँ पे आई वांट टू इनवाइट. सो व्हाई डिडंट यू कम मिधावी? आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू बेटा कि आप आगे आ जाओ. कम हियर, कम दिस साइड. कि अगर मैं आपको, इफ़ आई विल गिव यू एन आइडिया, लेट्स से यू हैव टू थ्रो अ पार्टी, तो आप उसको कैसे प्लान करोगे? मैम, इफ इट इज़ अ बर्थडे पार्टी, आई डेकोरेट इट एंड आई कीप अ म्यूजिक सिस्टम. प्लान इट, हाउ विल यू प्लान इट? मैम, प्लानिंग के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले इवेंट की डेट, है ना? तो मैंने क्या सिखाया? सबसे पहले आपको एक कैलेंडर बनाना होता है. आपको पता होना चाहिए कि एक हफ्ते पहले ये इवेंट होने वाला है, यानी किसी का बर्थडे आने वाला है, या हमारे घर में कोई स्पेशल ओकेजन होने वाला है, राइट? क्योंकि प्लानिंग क्या एक दिन पहले होती है? नहीं, कम से कम एक वीक पहले प्लानिंग हो जानी चाहिए ना किसी चीज़ की. क्योंकि एक वीक पहले इसलिए होनी चाहिए प्लानिंग, लेट्स से कल आपका बर्थडे है, लेट्स से मेधावी कल आपका बर्थडे है, और मैंने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की, और मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन बचा है, प्लानिंग कर लेंगे. लेकिन क्या हुआ, मैंने बलून वाले को फ़ोन मिलाया,
भैया मुझे बलून चाहिए, कैन यू प्लीज सेंड मी लाइक 2-3 पैकेट्स ऑफ बलून डेकोरेशन के लिए। उसने कहा मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, अब क्या करोगे, बलून तो आए नहीं पार्टी के लिए, ये तो गड़बड़ हो गई है ना। मैंने बोला किसी को भी कि भैया मेरे को शाम को पकौड़े मिल जाएंगे, नहीं नहीं मैम आज पकौड़े नहीं मिलेंगे, दुकान बंद है, अब क्या करूँ, गड़बड़ हो गई। तो प्लानिंग शुड बी 1 week बिफोर, एक हफ्ता पहले आपकी प्लानिंग हो जानी चाहिए, डेकोरेशन का सामान आपके घर पे 2-3 दिन पहले होना चाहिए, सो दैट लास्ट मिनट कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना, इजंट इट। तो सबसे पहले प्लानिंग के लिए हम क्या करेंगे, चेकलिस्ट। सबसे पहले इवेंट, हमें डेट पता होनी चाहिए, उसके एक हफ्ता पहले हम चेकलिस्ट बनाएंगे, मुझे बलून चाहिए, मुझे डेकोरेशन के लिए चाहिए, मैं फूड में ये रखूंगी, सबका ड्रेस थीम ये होगा, इजंट इट। केक कहाँ से ऑर्डर करना है, उसको केक के लिए मुझे बात करनी पड़ेगी, सो यू हैव टू कॉल पीपल एंड यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट। उसके बाद आप बैठ के डिज़ाइन करोगे। अच्छा मेरे हॉल में ना मैं वहाँ पे केक टेबल लगाऊंगी, यहाँ पे डांस पार्टी होगी, यहाँ पे बलून्स लगेंगे, इजंट इट। हाँ उसको, इसी को कहते हैं बेटा प्लानिंग। एंड ऑल्सो यू हैव टू गेट, यू हैव टू, वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यू नो डिज़ाइन द इन्विटेशन कार्ड्स ऑल्सो, जो आजकल तो फोन पे भेजते हो ना कि यू आर इन्वाइटेड टू आर बर्थडे पार्टी ऑन दिस दिस डेट, सो आपको क्या करने पड़ेंगे, यू हैव टू डिज़ाइन इन्वाइट्स ऑल्सो, सो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, अच्छा मैं ऐसे वाला बना लेती हूँ, ये वाला फ्लावर अच्छा लग रहा है, राइट, सो यू हैव टू प्लान दिस वे। थैंक यू सो मच मेधावी। एनीबडी वॉन्ट्स टू टेल मी हिज ओ हर प्लानिंग, एनीबडी कोई बताना चाहेगा, एनीबडी, एनीबडी वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट, यू वॉन्ट टू से समथिंग, एनीबडी वॉन्ट्स टू से समथिंग अबाउट प्लानिंग, रूपक कम 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 कम, सपोज आपको कुछ प्लान करना हो अपनी फैमिली के लिए तो कैसे करोगे? मैम पहले तो सारा डेकोरेशन का सामान, मतलब वो जो है, और फिर इनविटेशन कार्ड्स और डेकोरेशन का सामान पहले हाँ। नहीं पहले चेकलिस्ट बनाएंगे सबसे, हाँ, चेकलिस्ट हाँ, क्या क्या चाहिए, राइट, रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर मैम मतलब एक हॉल में बैठ के प्लानिंग करेंगे कि कहाँ पर बलून लगेंगे, कहाँ पर केक की टेबल रखी जाए, कहाँ पर डांस पार्टी होगी, फिर म्यूजिक सिस्टम, और वेरी गुड। सो अब हम क्या करेंगे, ये क्योंकि हमारा हैप्पीनेस वीक रहेगा, जो हमारा नेक्स्ट लाइफ स्किल क्लास रहेगा या जो भी हम इवेंट यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे एकेडमी में, विल बी प्लान्ड बाय आवर चिल्ड्रन, आई एम नॉट गोइंग टू प्लान दैट, ठीक है, सो प्लीज गिव मी योर नेम्स, जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको प्लानिंग अच्छी लगती है वो अपना नाम मुझे इस एक्टिविटी के बाद दे दें, और नेक्स्ट टाइम मैं क्लब बना दूंगी, प्लानिंग क्लब, और वो सारा प्लान करेगा और मैं से बैठूंगी, मुझे आइडियाज देना कि मैम ऐसे से कर लेते हैं, एंड विल डू इट, ओके, वुड यू लाइक टू मेक एन एफर्ट फॉर प्लानिंग, वेरी गुड, सारे बच्चे कर सकते हैं प्लानिंग, मैं सबके आइडियाज लूंगी, बिकॉज आई नो यू आर ब्रिलियंट, राइट, सो थैंक यू सो मच। सो इट्स टाइम फॉर एक्टिविटी, सो व्हाट आई सजेस्ट यू,